यूक्रेन पर रूस के हमले का आज चौथा दिन है। इस जंग में दोनों देशों ने अपना काफी कुछ गंवा दिया है, लेकिन आज भी हालात ऐसे हैं कि रूस रुक नहीं रहा है और यूक्रेन झुक नहीं रहा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ है। आज युद्ध का चौथा दिन है। इस बीच दोनों ओर से मारे गए सैनिकों को लेकर अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन ने रूस के 1000 से अधिक सैनिक मारे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि इस युद्ध में उनके 137 सैनिक मारे गए हैं, जबकि दूसरी ओर ब्रिटेन ने हमले में मरने वालों का एक अलग आंकड़ा जारी किया है। ब्रिटेन के मुताबिक युद्ध में 450 रूसी सैनिक मारे गए हैं, तो वहीं यूक्रेन के 194 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 57 नागरिक शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध में अब तक रूसी हवाई हमले में यूक्रेन के 25 नागरिक मारे गए हैं और 102 घायल हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनके सैनिकों ने 211 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है, तो दूसरी ओर यूक्रेन कह रहा है कि उसने रूस के 80 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। युद्ध अभी भी जारी है। आंकड़े अपनी जगह है और जमीनी हकीकत अपनी जगह। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।